ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना ध्यान किया, ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना जप किया, किसी को देखते तो बस पेशाब में धातु बह गया। तो काम आकर तुम्हारा शरीर निचोड़ देता है, लोभ आकर मुंह में लाड़ ले आता है, मोह आकर ये करता है, तो हृदय में भगवान बैठा तो उसका तो अन्याय, आप अनादर कर रहे। घर में राजाधिराज बैठा और कोई भिखारी आकर आपका वो छीन गया, दूसरा भिखारी वो छीन गया, और घर में मेहमान भूखा मर रहा है। दाएं नाक से श्वास लिया, थोड़ा सा रोका, ओ मरियम आए जप किया, और मेरा ब्रह्मचर्य जम दृढ़ हो, नाभि पर ध्यान किया, बाएं से छोड़ो, फिर बाएं से लियो, रोको थोड़ा और दाएं से छोड़ो, ऐसा 11 प्राणायाम करो। विकार आए किसी लड़की के तरफ, लड़के के तरफ, पत्नी पत्नी के तरफ, तुरंत ये प्राणायाम करे और चिंतन करो, तो नीचे जाते वाले वीर्य की धारा ऊर्ध्वरेता हो जाएगी, और वीर्य को जितना संयत किया उतना मन संयत हो जाएगा। रुपया गिर गया, 5-50 रुपया गिर गया, तो इतना घाटा नहीं है, ये लौकिक घाटा है, लेकिन वीर्य नाश हो गया चिंतन से ही आध्यात्मिक घाटा है, लौकिक घाटा भी। ऐसे सिद्ध आसन पे बैठ के जप करो, मंत्र जल्दी सिद्ध हो। 7 कारणों से आदमी स्मृतिवान बुद्धिमान बनता है, एक तो शास्त्र।